सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल हर तरफ की खबर रखने के लिए आप तक पहुंचाने के लिए आ रहा है वर्षा योग और आज उसी की फिर पार्ट 3 एपिसोड सादर जय जैन के साथ। आज 50 आचार्यों के साथ 100 जगहों पर 1000 से ज्यादा संतों की, वैसे कहें तो 1200 संतों की खास बात आज आपके पास लेकर आए हैं कुछ शुरुआत के साथ। पर इतना जरूर कहेंगे इसमें से ये मान लीजिएगा 100% फाइनल नहीं, क्योंकि अभी समय है, किसी के बिहार में कुछ हो सकता है, किसी की दिशा बदल सकती है, तो इसलिए फाइनल की बजाय यह मानते हुए और जो त्रुटि हो उसकी जानकारी हमें व्हाट्सएप नंबर, ये नंबर दिख रहा है आप, ये जो दिख रहा है 9910690823 पर अपनी अपनी जानकारी जो आपको मिलती है वह जरूर व्हाट्सएप कर दीजिए, संत के फोटो के साथ, उनके गुरुवर के साथ, नाम के साथ, दीक्षा तिथि क्या है, उनकी जन्म तिथि क्या है, वह जानकारी जिससे हम उसको पूरी तरह से जैसे चार्ट देख रहे हैं समाहित कर सकें। शुरुआत करते हैं आज की। हाँ, इसमें गुरुवर आचार्य श्री के संघ के अलावा बाकी सबकी जानकारी दी। शुरुआत करते हैं सबसे वयोवृद्ध आचार्य श्री संभव सागर के साथ। 58वां चतुर्मास इस बार भी सम्मेद शिखर जी में रिपीट रिपीट रिपीट, महावीर कीर्ति जी के शिष्य हैं, जी हाँ, अंक लेकर परंपरा के। वहीं आचार्य श्री वर्धमान सागर जी धर्म सागर जी सुशिष्य 56वां चतुर्मास इस बार भी राजस्थान हैट्रिक के लिए, महावीर जी से उदयपुर और अब 12-16 में। महावीर कीर्ति जी के और शिष्य गणधर कुंथु सागर जी 58वां चतुर्मास रिपीट 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 कुंथु गिरी में ही। गणाचार्य विराग सागर जी, जी हाँ, उनका यह 41वां चतुर्मास कर रहे हैं, इस बार पहुंच रहे हैं अरिहंत नगर, कहते ना पहले औरंगाबाद नाम था, छत्रपति संभाजी नगर महाराष्ट्र में, पिछली बार था श्यांस गिरी पर। वहीं फिर विमल सागर जी के शिष्य आचार्य श्री कहे गणाचार्य पुष्पनंद सागर जी सत्संग कर रहे हैं, अब की बार फिर पुष्पगिरी तीर्थ में, पिछली बार उन्होंने यूपी के मुजफ्फरनगर में चतुर्मास किया था और उससे पहले वही पुष्पगिरी में, यह उनका 45वां चतुर्मास होगा। तपस्वी सम्राट आचार्य श्री सन्मति सागर जी शिष्य, हाँ, आचार्य श्री सुनील सागर जी 28वां चतुर्मास अटकल लग रही है किशनगढ़ लाल मंदिर अटकी हुई आवाज भाई लाल मंदिर पर, पिछली बार ऋषभ विहार में चतुर्मास किया था। शांति सागर जी पट्टा के सातवें पट्टाचार्य आचार्य अभिनंदन से शिष्य आचार्य श्री अनेकांत सागर 26वां चतुर्मास इनका इस बार होगा, समडोली बस पहुंचने वाले हैं, सेक्टर नोएडा 27 से चले थे और अब महाराष्ट्र के समडोली की ओर। अर्धशतक से एक कम 49वां चतुर्मास कुंतु सागर शिष्य आचार्य श्री आनंद सागर जी मौन प्रिय जी, पिछले कुछ वर्षों की तरह इस बार भी बसंत कुंज ध्यान तीर्थ। कुंतु सागर जी शिष्य आचार्य श्री शुद्ध सागर जी कृष्ण नगर से मयूर विहार से इस बार से चतुर्मास ग्रीन पार्क में। गणाचार्य विराग सागर जी शिष्य 26 पिच्छी के साथ आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी अपना 33वां चतुर्मास इस बार करेंगे तीर्थ नांदनी में, यानी महाराष्ट्र में, गत वर्ष बड़ौत उससे पहले रायपुर। तपस्वी सम्राट सन्मति सागर जी के शिष्य आचार्य श्री सिद्धांत सागर जी अपना 38वां चतुर्मास रिपीट पर रिपीट बेला जी मध्य प्रदेश में। उसी तरह सन्मति सागर जी के और शिष्य आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी जिनका पिछली बार सूर्यनगर था और उससे पहले उदी में करता और इस बार हरिद्वार की पंचपुरी में जहां है इस समय विराजमान 28वां करेंगे चतुर्मास। गणाचार्य पुष्पनंद सागर जी शिष्य, जी हाँ, आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी पिछली से पिछली बार 20 पत्ती कोटि शिखर जी में उदगांव पहुंचने के बाद इस बार पहुंच रहे हैं हैदराबाद के पास खुलचारा में, बस पहुंचने वाले हैं जहां होगा इनका 36वां चतुर्मास। 36वां चतुर्मास आचार्य श्री प्रज्ञा सागर जी का इस बार राजस्थान में आ रहे हैं झालरा पाटन में, हाँ, पिछली बार कहा था गुरुवर के स्थल पुष्पगिरी में और उससे पहले तपोभूमि महाराष्ट्र। जी हाँ, 13 से चल चुके हैं विराग सागर जी शिष्य आचार्य श्री विमर्श सागर जी अपना चतुर्मास कर रहे हैं 24वां दिल्ली के कृष्ण नगर में, पिछली बार क्या था टीकमगढ़ जितारा में। आचार्य श्री विद्यानंद जी के शिष्य आचार्य श्री वसुनंदन जी से संग कर रहे हैं अपना 35वां चतुर्मास इस बार यूपी के फिरोजाबाद में, गत वर्ष फरीदाबाद के था उससे पहले मुंबई। गणाचार्य कुंतु सागर शिष्य आचार्य श्री कनक नंदी जी इस बार इनका खास स्पेशल, बहुत कुछ नहीं होगा बताएंगे बाद में, 44वां चतुर्मास इस बार कर रहे हैं इटकी आक्षपुर आरसपुर राजस्थान में। गणाचार्य पुष्पनंद सागर शिष्य, जी हाँ, 7 साल बाद आचार्य श्री सौभर सागर जी आ गए हैं सौरभ सागर जब 30वां चतुर्मास के लिए वापस दिल्ली की ओर सूरजमल विहार में करेंगे, गत वर्ष जयपुर और उससे पहले थे द्रोणगिरी। आचार्य श्री पुष्पनंद शिष्य एक और आचार्य श्री प्रबल सागर जी इनका भी 30वां चतुर्मास इस बार करेंगे कचनेर, वही छत्रपति संभाजी नगर महाराष्ट्र में,
गत वर्ष चले माही मिधि मांगी तुम में, और उससे पहले था परभणी में। गणाचार्य कुंतु सागर के शिष्य आचार्य श्री देवनंद जी एक बार फिर वही नमोकार तीर्थ नासिक में जहाँ दर्शन किए थे चैनल महालक्ष्मी ने, इस बार का होगा वही चतुर्मास। गणाचार्य कुंतु सागर जी को शिष्य आचार्य गुणधर नंदी जी फिर वही कर रहे अपना नवग्रह तीर्थ कर्नाटक में 35वां चतुर्मास, जहां इस बार कुछ नया करने की और कोई विशाल योजना चल रही है यहाँ के लिए। आचार्य श्री पूर्ण सागर शिष्य आचार्य श्री पुलक सागर जी अपना 29वां चतुर्मास इस बार राजस्थान की धरा केसरिया तीर्थ पर उदयपुर में करेंगे। पिछले दोनों चतुर्मास इनके महाराष्ट्र में होते जिन शरण में, और उससे पहले औरंगाबाद में। गणाचार्य विराग सागर शिष्य आचार्य श्री विहर्ष सागर जी इंदौर से पहुंचने वाले हैं बस समय शिखर जी की ओर अपने 27वें चतुर्मास के लिए, और उससे पहले हरियाणा के गुरुग्राम में गया था चतुर्मास। गणाचार्य विराग सागर शिष्य आचार्य श्री विनिश्चय सागर जी 26वां चतुर्मास बिल्कुल पहुंच गए हैं पूर्व के कोलकाता के अंदर। गत वर्ष भिंड में था आपका चतुर्मास, उससे पहले भोपाल में। आचार्य श्री सिद्धांत सागर जी का के शिष्य है आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी इस बार दिल्ली नहीं 25वां चतुर्मास करेंगे, दिल्ली के पड़ोस नोएडा के सेक्टर 27 में। गत वर्ष जनकपुरी, और उससे पहले थे अपने 23वां चतुर्मास के उन्होंने कचनेर में 23वें तीर्थंकर के तीर्थ पर। गणाचार्य श्री पुष्पन सागर शिष्य आचार्य श्री प्रमुख सागर जी अपना 24वां चतुर्मास बिल्कुल हाँ ईस्ट चलते जा रहे हैं। गत वर्ष गुवाहाटी में था और इस बार नागालैंड के डीमापुर में प्रवेश कर चुका, और उससे पहले समय शिखर जी में करता अपने 22 के अंदर चतुर्मास। आचार्य श्री विमल सागर शिष्य आचार्य जी सुवधि सागर जी हाँ इस बार कर ही रहे हैं तमिलनाडु में पुनर्मलई में। आचार्य श्री चैत्य सागर जी का चतुर्मास है नागौर राजस्थान में। गणाचार्य कुंतु शिष्य हैं आचार्य श्री गुप्ती नंदी हाँ रिपीट वही धर्म तीर्थ कचनेर औरंगाबाद में। आचार्य श्री ज्ञान भूषण जी अपना 32वां इस बार कर रहे हैं बड़ा मंदिर जयपुर यानी गुरुग्राम दिल्ली के पड़ोस में, पिछली बार था फिरोजपुर जिरका में। आचार्य श्री प्रज्ञ सागर जी फिर लगातार तीसरी बार दिल्ली में करेंगे 22वां चतुर्मास, इस बार कर रहे हैं विद्यानंद गुरुकुलम नंगली पूजा के अंदर। गत वर्ष लोधी रोड था और उससे पहले सूरजमल विहार में किया था चतुर्मास। आचार्य श्री पदम नंदी जी का इस बार चतुर्मास हो रहा है बेलगांव कानूर यानी कर्नाटक में। आचार्य श्री शशांक सागर जी हाँ 25वां चतुर्मास इस बार अलग करेंगे और पहुंच गए हैं जयपुर के वरुण पथ में, पिछली बार आचार्य जी सुनील सागर जी हुआ था ऋषभ विहार में चतुर्मास। आचार्य श्री गुलाब भूषण जी हाँ आपका चतुर्मास 24वां नंबर वही हो रहा है पुनर्मलई तमिलनाडु में, गत वर्ष अरियंदगिरी में था। आचार्य श्री निर्भय सागर जी आपका 18वां चतुर्मास इस बार पहुंच चुके हैं तपोवन तीर्थ सिद्ध गुआ यानी मध्य प्रदेश में, गत वर्ष नोएडा के सेक्टर 50 में, और उससे पहले अलीगढ़ में किया था अपने वर्षा योग। आचार्य श्री सुयश गुप्त महाराज जी का 19वां चतुर्मास इस बार हो रहा है महाराष्ट्र के सांगली में, और पिछली बार था श्री रामपुर में। आचार्य श्री सुबल सागर जी जी हाँ इस बार कर रहे हैं पूर्वी दिल्ली के अंदर अपना 15वां चतुर्मास कैलाश नगर गली नंबर 2 में, पिछली बार था चंडीगढ़ में। आचार्य श्री धर्म भूषण जी शिष्य आचार्य श्री भारत भूषण जी इस बार 18वां चतुर्मास करेंगे हसनापुर के बड़ा मंदिर में, गत वर्ष था खतौली में और उससे पहले सहारनपुर। आचार्य श्री शेर सागर जी इस बार कर रहे हैं गुजरात सूरत के मांडवी में, और उससे पहले था मुंबई के साकीनागा में। आचार्य श्री निपुण नंदी जी इस बार करेंगे राजस्थान के टोंक में अपना इस बार का चतुर्मास। आचार्य श्री ज्ञान सागर शिष्य आचार्य श्री गेय सागर जी इस बार कर रहे हैं यूपी के बुढ़ाना में चतुर्मास, पिछली बार था मुरैना में और उससे पहले सहारनपुर। आचार्य श्री विशेष सागर शिष्य हैं आचार्य श्री विबुद्ध सागर जी इस बार इनका प्रोग्राम है चतुर्मास इतहार ग्राम भिंड में, गत वर्ष ग्वालियर उससे पहले हरिद्वार में। आचार्य श्री अभिनंदन सागर जी शिष्य हैं आचार्य श्री तन्मय सागर जी 11वां चतुर्मास लगातार समय शिखर जी में। आचार्य श्री विज्ञान भूषण जी जिन्होंने गत वर्ष किया था रघुपर गांधी चतुर्मास, इस बार पहुंच गए हरियाणा के नारनौल में करेंगे इस वर्ष का चतुर्मास। आचार्य श्री गिरनार सागर जी इस बार चतुर्मास कर रहे हैं राय की असरपुर डूंगरपुर राजस्थान में। अब स्थानवासी प्रमुख है जानते ना आप, आचार्य श्री शिव मुनि जी लगातार हैट्रिक करते थे चतुर्मास बिल्कुल ध्यान में समय रहने वाले आचार्य शिवमुनि जी का यह 53वां चतुर्मास फिर सूरत में ही हो। मूर्ति पूजा समाज के आचार्य श्री विमल सागर जी सुरेश्वर जी चेन्नई से बेंगलोर और बेंगलोर से इस बार तमिलनाडु के मैसूर में। आचार्यों की श्रृंखला अब करते हैं उपाध्यायों की शुरुआत। उपाध्याय श्री उज्जैन सागर जी 31वां चतुर्मास इनका ये इस बार करेंगे जयपुर के प्रताप नगर में, पिछली बार आमेर में था। आचार्य श्री वसुन्धरा शिष्य हैं उपाध्याय श्री विश्वानंद जी इस बार का चतुर्मास हो रहा है गुलाबी नगरी जयपुर यानी राजस्थान में। गणाचार्य विराग सागर शिष्य हैं उपाध्याय श्री विभंजन सागर जी जानते हैं ना आप, पिछली बार समय शिखर जी सोलह दिल्ली के पटपड़गंज वाला इस बार पहुंचे हैं बिल्कुल पश्चिम बंगाल की राजधानी
कोलकाता में अपना 13वें चतुर्मास के लिए। इसी तरह 13वां चतुर्मास है ये उपाध्याय बीहसन सागर जी का। हाँ, इस बार है ताजनगरी, आगरा में करेंगे, पिछली बार ग्वालियर और से पहले भोपाल। आचार्य श्री वसु शिष्य है उपाध्याय श्री विज्ञानंद जी। जी हाँ, इस बार कर रहे हैं मध्य प्रदेश के टुंडेला में। आचार्य श्री विराज शिष्य है उपाध्याय श्री विशोक सागर जी, इस बार दिल्ली के बुद्ध विहार में करेंगे और पिछली बार इनका जंगपुरा भोगल में था चतुर्मास। उन्हीं के शिष्य है उपाध्याय श्री विरंजन सागर जी, इनका इस बार चतुर्मास हो रहा है संस्कार धामी जबलपुर में, और उससे पहले था सागर और उससे पहले सागर, यानी इस बार भी मध्य प्रदेश में। चलिए अब कुछ ही मुनियों के चतुर्मासों की बात करते हैं। पहले आचार्य विश्वास शिष्य है मुनि श्री प्रशम सागर जी, साथ रहे हैं इस बार उदयपुर के सेक्टर 11, पिछली बार उज्जैन में था। उन्हीं आचार्य शिष्य है मुनि श्री आदित्य सागर जी, इस बार 14वां चतुर्मास इनका है कोटा के सिद्धिनगर में, पिछली बार भी राजस्थान में भीलवाड़ा में था और उससे पहले थे इंदौर में। उन्हीं आचार्य श्री के शिष्य है मुनि श्री प्रणुत सागर जी, साथ में मुनि श्री जयेंद्र सागर जी, 12वां चतुर्मास करेंगे इस बार मुंबई के मलाड में, पिछली बार बड़ोदरा में किया था। आचार्य श्री अभिनंदन सागर शिष्य है मुनि श्री अनुकरण सागर जी, साथ में स्वयंभू सागर जी, 15वां चतुर्मास बार कर रहे हैं अलीगढ़ के खिरनी गेट में, गत वर्ष कविनगर और उससे पहले बरकत नगर। आचार्य श्री सागर शिष्य है मुनि श्री अनुमान सागर जी, जी हाँ पाठशाला वाले, इस बार कर रहे हैं नसिया जी बादशाहपुर गुरुग्राम में चतुर्मास, पिछली बार जैकबपुरा में था। आचार्य विराग शिष्य मुनि श्री विशल्ले सागर जी, इस बार कर रहे हैं पश्चिम बंगाल के कानकी में, गत वर्ष बिहार के भागलपुर में था। आचार्य श्री वसुनि शिष्य मुनि श्री श्रद्धानंद जी और पवित्रनंद जी, इस बार यूपी के शामली में घोषणा हुई है चतुर्मास की। आचार्य श्री विश्व शिष्य है मुनि श्री साक्षी सागर जी, निवृत सहयोग सागर जी, इस बार कर रहे हैं राजस्थान के अलवर में चतुर्मास, गत वर्ष आगरा चिपिटोला में और उससे पहले टीकमगढ़ में किया था वर्ष सहयोग। आचार्य श्री वसुनि शिष्य है मुनि श्री शिवानंद जी दिल्ली वाले, और मुनि श्री पश्मानंद जी अपना 10वां चतुर्मास करेंगे यूपी के मुरैना में, पिछली बार दिल्ली में किया था शकरपुर में और उससे पहले दाहोद में। आचार्य श्री प्रज्ञा शिष्य मुनि श्री प्रतिज्ञानंद जी, इस बार 5वां चतुर्मास कर रहे हैं अपना दिल्ली के बलबीर नगर में, पिछली बार कैलाश नगर में था और उससे पहले दिल्ली के ही कबूल नगर में किया था चतुर्मास। अब कुछ आरिकाओं की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सबसे ज्यादा चतुर्मास करने वाली घड़नी आरिका ज्ञानमती माता जी, आचार्य श्री वीर साई शिष्य, 69वां चतुर्मास इस बार भी बड़ी मूर्ति पर होगा, गत वर्ष की तरह उससे पहले जम्बूद्वीप में किया था 22वां चतुर्मास। आचार्य श्री शर्म शिष्य है आरिका श्री सृष्टि भूषण नाथ जी, साथ में हम जाते हैं विश्व स्वयंमती माता जी, इस बार मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में करेंगे चतुर्मास, गत वर्ष मुरादाबाद उससे पहले था श्री महावीर जी में आपका वर्षायोग। गढ़नी आरिका चंद्रमती माता जी एक बार फिर दिल्ली में, लॉरेंस रोड, फिर लाला मंदिर और इस बार राजा बाजार। गढ़नी आरिका गुरु नंदिनी माता जी, आपका 30वां चतुर्मास इस बार बिल्कुल दक्षिण के छोर भारत के तमिलनाडु के कन्याकुमारी में, गत वर्ष सेलम था और उससे पहले पुडुचेरी। गढ़नी आरिका संगमती माता जी, यहाँ 27वां चतुर्मास पर कर रही है देवपुरी देरोल गुजरात में, गत वर्ष भी गुजरात में था तारंग सिद्ध क्षेत्र पर। आरिका श्री वर्द सोनंदिनी माता जी, इस बार जी हाँ चंदा प्रभु की नगरी तिजारा में करेंगे अपना चतुर्मास, 10वां चतुर्मास होगा, गत वर्ष ग्रीन पार्क से पहले सूरत में किया था वर्षायोग। आरिका प्रज्ञा श्री माता जी और आरिका सुज्ञान दिवस संघ, ये इस बार कर रही है हिम्मत नगर गुजरात में चतुर्मास, उससे पहले क्या था पोरीवली मुंबई में। आरिका श्री देवेश माता जी और आरिका श्री देवागम माता जी, जी हाँ इस बार करेंगे सेक्टर 21 गांधीनगर में गुजरात में चतुर्मास, और उससे पहले क्या था बावलड़ा खेरवाड़ा में चतुर्मास। गत वर्ष आचार्य श्री सुनील के साथ करने वाली आरिका श्री सुद्रणमती माता जी और सुश्र माता जी, इस बार करेंगी मॉडल टाउन दिल्ली में वर्षायोग। आचार्य श्री विभव साई शिष्य आरिका श्री अरम माता जी दो शिष्य के साथ आज इस बार करेंगी नोएडा के सेक्टर 50 में चतुर्मास, जो अभियान घोषणा की है उससे पहले कहता अपने हिम्मत नगर गुजरात में वर्षायोग। आचार्य श्री ज्ञान सागर शिष्य है गढ़नी आरिका आशमती माता जी, अभी ऋषभ विहार में चतुर्मास की घोषणा की और ऋषभ विहार में होगा आपका चतुर्मास, इस बार गत वर्ष आगरा में था और उससे पहले शिवपुरी में। आचार्य श्री प्रमुख साई ने इस बार अपने उपसंग बनाए आरिका माताओं के, आरिका श्री प्रतिज्ञामती माता जी के साथ गंभीरमती जो प्रेक्षामती कर रही है इस बार ईटानगर अरुणाचल में नहर स्लगुन के अंदर। एक और उपसंग श्री का गरिमामती माता के साथ गंभीरमती कर रही है इस बार असम के जोरहाट में। आचार्य श्री वसुनि शिष्य हैं एलक श्री विज्ञान भूषण जी, इस बार फिर 2022 की तरह शांतिनगर जो है शांति सागर निकेतन मंडोला में करेंगे 2024 का चतुर्मास। ये थी एक छोटी सूची 50 आचार्यों के साथ 100 जगहों पर 1200 संतों की सूची आपके पास। फिर मिलेंगे आपके पास, कोई त्रुटि मिले जानकारी दीजिएगा, व्हाट्सएप नंबर झलक रहा है 9910690823 पर, इसी तरह पूरी जानकारी आप भी भेज दीजिए अगर आपके पास हो। पुनः सादर जय जिनेंद्र, और वर्षा योग आनंद के साथ मनाएं, गुरु के साथ आप भी।